अगर मैं आपसे पूछूं कि एज अ पेरेंट सबसे डिफिकल्ट काम क्या है, तो आप कहेंगे बच्चों को खाना खिलाना या फिर शायद बच्चों को पढ़ाना। इनफैक्ट मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने कहा कि आप इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं कि बच्चों को कैसे पढ़ाएं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कुछ टिप्स कि आप अपने बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं, खास तौर पर 8 साल से ऊपर के बच्चों को। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड विद मी। माय नेम इज त्रिलेखा एंड यू आर वॉचिंग लॉटोलर्न। टिप नंबर 1, कोशिश करें कि जैसे जैसे स्कूल में चैप्टर्स होते जाएं, वैसे वैसे आप उन क्वेश्चन आंसर्स को रोज़ घर पर पढ़ाएं। अगर आपके बच्चे की ग्रास्पिंग पावर कम है तो आप उसे दो दो आंसर करके रोज़ पढ़ाएं। कुछ बच्चे इजीली बहुत सारे आंसर्स लर्न कर लेते हैं, कुछ बच्चों को थोड़ा टाइम लगता है। दो दो आंसर लर्न कराने से उसके ऊपर भी बर्डन नहीं आएगा और आपके लिए भी ये काम थोड़ा आसान हो जाएगा। रोज़ के पढ़ाने का एक टाइम फिक्स कर लीजिए। कभी भी ऐसा ना करें कि उसके खेलने के टाइम पे या उसके टीवी टाइम पे उसे पढ़ाएं, और ऐसा भी ना करें कि बाहर उसके फ्रेंड्स खेल रहे हैं और आप अंदर उसे पढ़ा रहे हैं। अगर उसे आवाज़ें आती रहेंगी तो वो कभी भी कंसंट्रेशन से पढ़ नहीं पाएगा। तो हमेशा ऐसा टाइम चूज़ करें जब उसका माइंड भी फ्रेश हो और वो उसके टीवी टाइम और खेलने के टाइम से क्लैश ना करें। ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चे 2 से 3 घंटे पढ़ें। कुछ बच्चे 30 मिनट में ही काफ़ी कुछ कर लेते हैं और कुछ बच्चे 2 से 3 घंटे पढ़कर भी वो रिजल्ट नहीं ला पाते। तो हमेशा आउटकम पे ध्यान दीजिए, टाइम पर नहीं। और उन्हें ये भी सिखाइए कि आज के दौर में स्मार्ट स्टडी ज़रूरी है। उन्हें ये बताइए कि आप सारा दिन बुक लेकर मत बैठिए, आप सिर्फ 1 आवर के लिए पढ़िए और बस अपना पूरा वर्क 1 आवर में ही कम्प्लीट कर लीजिए। जब बच्चों के फर्स्ट टर्म या दूसरे एग्जाम स्टार्ट होते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे पढ़ने के बाद भी पूरा पेपर नहीं कर पाते या फिर किसी वजह से उनका एग्ज़ाम उतना अच्छा नहीं जाता। आप उन्हें एग्ज़ाम से ठीक पहले एक सैम्पल पेपर बना के दीजिए और उस पेपर में मार्क्स भी दीजिए और टाइम लिमिट भी रखिए, और उनसे कहिए कि वो एक सिटिंग में ही उन्हें वो पेपर करना है। उस पेपर को बनाने के लिए आप इंटरनेट से क्वेश्चंस की हेल्प ले सकते हैं। ऐसा करने से उनकी स्पीड भी बढ़ेगी और उनमें कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और उनका एग्ज़ाम डेफिनेटली अच्छा जाएगा। अब हम बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में जितनी प्रैक्टिस की जाए कम है। जब भी मैथ्स में कोई एक्सरसाइज होती है उनके क्लास में, आप कभी भी उस एक्सरसाइज से उन्हें 2 या 3 क्वेश्चंस दे दीजिए सॉल्व करने के लिए। इस तरह उनकी प्रैक्टिस बनी रहेगी और जितना हो सके उन्हें घर के प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस जो होते हैं, जैसे कि मंथ का हिसाब करना या फिर कोई भी बिल बनाना, इन सब चीज़ों में उनकी हेल्प लीजिए। इससे उनकी मैथ्स अच्छी होगी। और जब वो एक्सरसाइज सॉल्व करें, अगर वो उनसे ना बने तो उन्हें स्कोल्ड ना करें। एग्ज़ाम को ओवर एग्जैजरेट ना करें, इससे बच्चे स्ट्रेस्ड होते हैं। एग्ज़ाम को फियर ना बनाएं। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।